बीमारी और दवा की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे साबुन की और इस साबुन के हम फ़ायदे और नुकसान के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे और ये किस कंपनी का बनाया हुआ है और इसकी कीमत क्या है। आज सब जानकारी आपको इस वीडियो में हम आपको देंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। दोस्तों, ये है नाइसा ग्लिसरीन बार साबुन। दोस्तों, ये नाइसा साबुन RCM कंपनी का बनाया हुआ साबुन है। और दोस्तों, इसकी प्राइस की बात करते हैं, इसके प्राइस है 37 रुपीज़ और ये 75 ग्राम का है। दोस्तों, इस साबुन की आपको हम इस वीडियो में जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, नाइसा ग्लिसरीन बार स्किन के लिए एक बेहतरीन मॉइस्चराइज़र का काम करता है। ये हमारी त्वचा को पोषण प्रदान करता है, स्किन का pH बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है और ये फंगल इन्फेक्शन के लिए नाइसा बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। नाइसा साबुन फटी एड़ियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, जैसे कि सर्दियों में एड़ियाँ फट जाती हैं, उसमें आप इस्तेमाल कीजिए, ये बहुत लाभ देगा आपको। नाइसा साबुन में हाइड्रेटिंग गुण होते हैं और ये त्वचा की विभिन्न स्थितियों जैसे खुश्क त्वचा, सोराइसिस और एक्जिमा के लिए एक प्रभाव का उपचार के रूप में काम करता है। ये त्वचा के एक बेहतरीन मॉइस्चराइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है और अगर इसका नियमित रूप से उपयोग किया जाए तो आपकी त्वचा को पोषण देने की क्षमता रखता है। नाइसा साबुन एक एंटी एजिंग है जो बढ़ती उम्र के दाग धब्बों को दूर करता है, खुश्क त्वचा को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है, सर्दियों में हाथ पैरों की उंगलियों में सूजन होने से रोकता है, त्वचा को हाइड्रेट रखता है। नाइसा त्वचा को हाइड्रेट रखता है। ग्लिसरीन एक अद्भुत उत्पाद है जो त्वचा को कई तरह से फ़ायदा पहुंचाता है। ये त्वचा को निखारता है और त्वचा को मॉइस्चराइज करता है। दोस्तों, आइए जानते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट। दोस्तों, जो इस्तेमाल करते हैं उनको अगर इरिटेशन, स्किन इरिटेशन हो, यानी कि स्किन में जलन होने लगे इसको यूज़ करने पर, तो आप इसका इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, जानते हैं इसके इस्तेमाल करने के तरीके। दोस्तों, सुबह शाम नियमित रूप से अगर आप रोज़ाना इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके हाथ, पांव और एड़ियों को स्वस्थ और सुरक्षा प्रदान करेगा। दोस्तों, मैं एक डॉक्टर के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको सही जानकारी दूं। मैं इस वीडियो में बस इतना ही आपको बता रहा हूं। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गुड बाय।